हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमी मिस वेजी जंक्शन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो सांभर देखते साथ ही सबके मुंह में पानी आ जाता है ना, पर ये बड़ा मुश्किल होता है कि होटल या रेस्टोरेंट्स में जो सांभर का टेस्ट होता है वो घर पे नहीं बन पाता। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में बिल्कुल होटल जैसे सांभर बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना देर के चलिए बनाना शुरू करते हैं। सांभर बनाने के लिए मैंने 1 कप अरहर की दाल ली है, इसे कुछ लोग तुअर की दाल भी कहते हैं। तो इस कप से मैंने मेजर किया, आप किसी कटोरी से भी मेजर कर सकते हैं। तो इसको मैंने धो लिया था और आधा घंटे करीब धोने के बाद इसको भिगा के रख दिया था पानी में। इसको मैंने कुकर में डाल दिया है। कई लोग इसमें मसूर की दाल भी मिलाते हैं थोड़ा सा, आधी कटोरी, पर मैंने ये मिला रही हूँ। फिर मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी डाली और आधा चम्मच नमक डाला और फिर इसमें पानी और डाल दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा देर तक इसमें सीटी लेनी पड़ेगी हमको, ये दाल अच्छे से गली हुई होनी चाहिए। मैंने उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दिया और इसको अब हम चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको चढ़ा दिया और कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक हमको इसको कुक करना है, ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए। नॉर्मल दाल जो गलाते हैं उससे ज़्यादा दाल गली हुई होनी चाहिए। अब जब तक दाल बॉईल हो रही है, तब तक हम सांभर के मसाला बनाने के प्रोसेस में जाते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लंबे काट के रखे हैं और साथ में लहसुन अदरक चॉप किया है मैंने, करी पत्ता लिया है और 2-3 हरी मिर्च बारीक काट के रखी हैं और 5-6 साबुत लाल मिर्च ली हैं। तो इन सब से हम इसमें बघार लगाएंगे सांभर में। तो सबसे पहले जैसे तेल गर्म होता है उसमें 1/2 टीस्पून मैंने राई डाली और 1/2 टीस्पून मैंने जीरा डाला और साथ में 1/4 टीस्पून मेथी दाना डाला, साथ में साबुत लाल मिर्च ऐड करी और हरी मिर्च भी ऐड कर दी और एक एक करके सारे मसाले मैंने ऐड कर देने हैं, लहसुन और फिर अदरक और करी पत्ता। अब इनको सबको मेरे को थोड़ा सा भून लेना है ताकि इनका कच्चापन चला जाए। तो 2-3 सेकंड मैंने इसको भून लिया और इसके भूनने के बाद फिर आखिरी में मैंने इसमें प्याज ऐड करना है। तो ये मैंने अनियन भी ऐड कर दिए, आप इसमें बारीक भी काट सकते हैं, पर ये लंबे वाले अच्छे दिखते हैं इसलिए मैंने काटे, बाकी टेस्ट दोनों में एक ही आता है। आप चाहे तो इसमें बारीक भी काट सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी काट सकते हैं। तो इसको अब मैंने 1-2 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनना है इस तरीके से, और भूनने के बाद फिर इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इसमें सबसे अच्छा फ्लेवर देता है सांभर में, वो 1/2 टीस्पून हींग ऐड करनी है। हींग से सांभर में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इसको मिक्स करके मैंने चलाया और फिर इसको करीब 2-3 मिनट तक मैंने भून के इस प्याज का कच्चापन निकाल दिया था। देखिए ट्रांसल्यूसेंट प्याज हो गए हैं। तो इस स्टेज तक हमको प्याज को भूनना है और इसमें अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया मैंने और फिर इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया, और ये चूँकि सूखे मसाले हैं तो बहुत जल्दी ही जलते हैं, इसलिए इमीडिएट मैंने इसमें टमाटर ऐड कर देना है, जो कि मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर काट के रखे हैं, रफली चॉप कर दिए हैं मैंने इनको और इनको मैंने ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से चलाएंगे और चूँकि टमाटर ऐड किए हैं तो इसके बाद इसमें नमक जाएगा ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो सॉल्ट देख के ऐड कीजिएगा, क्योंकि दाल में भी हमने सॉल्ट ऐड किया था, तो अभी फ़िलहाल मैंने 1/2 टीस्पून ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से चलाते जाएंगे और ये वेजिटेबल्स मैंने सांभर में डालने के लिए कट करके रखी हैं, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखिए पम्पकिन काट के रखा है, मूली, गाजर, ऑरेंज कलर की गाजर मैंने यूज़ की क्योंकि इसमें मीठापन कम होता है, तो रेड वाले में कई बार सांभर मीठा मीठा सा हो जाता है। और ये ड्रमस्टिक या सहजन की फली बोलते हैं, ये ज़रूर डालिए अगर मिलती है तो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। भिंडी कट की है, लौकी और बैंगन कट किए हैं और साथ में बीन्स, जो वेजिटेबल्स आपको मिलती हैं आप चाहें तो फूलगोभी भी डाल सकते हैं या तुरई वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी बनाना है, तो जितनी सब्जियां आप डालेंगे उतना ही अच्छा होता है। तो ये टमाटर मैंने एक बार चला लिए और सारे वेजिटेबल्स मैंने इसमें एक साथ ऐड कर देने हैं। तो मैं वेजिटेबल्स इस टाइम में ऐड करती हूँ इस मसाले के साथ में, कई लोग बॉईल करते समय भी ऐड कर देते हैं लेकिन उसमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। तो जब ऐसे अपन ऐड करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मसाले इसमें बहुत अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है सांभर में और एकदम से गलती नहीं है, सारी सब्जियां बिल्कुल गल नहीं जाती हैं। तो इसलिए हमेशा इस तरीके से ऐड करिए तो बहुत अच्छा सांभर बनके रेडी होता है। तो इसको हम चलाएंगे 3-4 मिनट इसी तरीके से हम चलाते जाएंगे, जिससे कि अच्छे तरीके से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे वेजिटेबल्स। तो ये देखिए 3-4 मिनट मैंने इनको चला लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे
तो बहुत अच्छा कलर आ गया है भुनने के कारण इस सब्जियों में। अब इसमें मैंने लगभग 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, तो इससे और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप अगर कम खाते हैं तो कम डालिए। अब मैंने इसमें इमली का पल्प ऐड करना है 4 टेबलस्पून। ये मैंने फ्रेश इमली को गर्म पानी में भिगो के रख दिया था और इसका पल्प निकाल लिया है। तो ये मैंने इमली डालने से सांभर में बहुत अच्छा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है और कलर भी सांभर का बहुत अच्छा डार्क हो जाता है। तो इमली डाल के हमने इसको थोड़ी देर चलाना है। इस तरीके से मैंने इसको चला लिया। और ये फ्रेश सांभर पाउडर घर का बना हुआ है, इसकी रेसिपी में का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और चाहे तो आप मेरे चैनल में भी जाके देख सकते हैं इसको। और ये मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मैं बाद में डाल दूँगी इसमें, जब सांभर पूरा तरीके से कुक हो जाएगा। तो इसको मैंने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है इसमें। और अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो सब्जियां भूनने से तो आधी कुक हो ही चुकी हैं और अब पानी डाल के भी हम इनको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। तो लगभग 1 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। तो हमको इसमें पानी कम से कम इतना डालना है कि इसमें सब्जियां अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो अभी मुझे डालने के बाद थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, तो इसमें मैंने और पानी ऐड किया। तो लगभग 1/2 ग्लास पानी इसमें मैंने और ऐड किया। तो अब इतने पानी में ये सब्जियां अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी। तो इसको मैंने थोड़ा सा ढक्कन लगा के कम से कम 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, तो जिससे इसमें सब्जियां जो हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी। पर इतना ध्यान रखिएगा, बीच में 1-2 बार खोल के देख लीजिएगा कि सब्जियाँ ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। अब 6-7 मिनट बाद मैंने ढक्कन खोल के देखा, तो ये देखिए पानी भी अच्छे तरीके से रिड्यूस हो गया है और सब्जियाँ भी काफ़ी कुक दिख रही हैं। इनको मैंने चलाया तो पानी काफ़ी कम हो गया है और सब्जियां भी अच्छे से लटपट हो गई हैं, मतलब अच्छे तरीके से कुक दिख रही हैं। अब इसमें मैंने ये बड़े बड़े अनियन काट के रखे हैं, ये देखिए बड़े बड़े पीसेस अनियन के काट के रखे हैं। आप चाहे तो छोटा जो मद्रासी अनियन रहता है वो डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और या तो फिर स्प्रिंग अनियन का बल्ब भी आप इस तरीके से काट सकते हैं, और फिर भी नहीं है तो इस तरीके से बड़े प्याज को बीच से हाफ करके भी डाल सकते हैं। तो इसका क्या होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सांभर में। इसको क्या करना है कि हमको लास्ट में डालना है और इसके बाद बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, तो इसका हल्का कच्चा सा और मीठा सा फ्लेवर आता है सांभर में। और सबसे लास्ट में मैंने इस गुड़ को डालना है, तो गुड़ मैंने तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो टूटा नहीं हाथ से, तो मैंने इसी तरीके से डाल दिया, तो ऑटोमेटिक पानी में पक जाएगा और इसका पूरा उसका जो मीठापन है वो सांभर में आ जाएगा। तो गुड़ डालना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये सारे मसालों को बैलेंस करता है। तो अब इस स्टेज पे हमको 2-3 मिनट इसी तरीके से बिना ढक्कन ढके हमको कुक करना है ताकि प्याज हल्के से नरम पड़ जाए जो हमने लास्ट में डाले। तब तक हम अपनी दाल को देख लेते हैं। तो ये देखिए दाल हमारी पूरी तरीके से बॉईल हो चुकी है और ये देखिए बहुत अच्छी बॉईल हुई है, ना बहुत ओवर कुक हुई है और ना ही बहुत बड़े बड़े दाने हैं। तो मुझे तो सांभर में इसी तरीके की दाल पसंद है, लेकिन आप अगर एकदम घुटी हुई दाल पसंद करते हैं तो इसको या तो इसी तरीके से करछुल से मैश कर दीजिए चला चला के, या फिर जो हैंड मिक्सर होता है उससे आप इसको वो कर सकते हैं, घोटनी जिसको बोलते हैं उससे आप दाल को घोट सकते हैं। तो ये देखिए 2-3 मिनट में हमारा ये गुड़ वगैरह सारा मेल्ट हो गया है इसमें और सारी सब्जियाँ भी पूरे तरीके से कुक हो चुकी हैं। तो अब इस स्टेज में हम इसमें हमारी दाल मिक्स कर देंगे और प्याज भी काफ़ी हद तक कुक हो चुका है जो हमने बड़े बड़े कट करके डाले थे। तो ये देखिए मैंने पूरी दाल इसमें डाल दी है और दाल डालने के बाद हमको दाल को पूरे मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि पूरा जो मसाले का फ्लेवर है वो पूरे दाल में उतर के आ जाए। ये अच्छे तरीके से मिक्स किया, लेकिन मुझे दाल अभी बहुत सांभर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें मैंने और पानी ऐड करना है। अब पानी ऐड करने के लिए जो कुकर में आखिरी की जो दाल बच गई थी मेरे डालने के बाद में भी, तो उसी में मैंने और पानी डाला और उस कुकर को अच्छे तरीके से खंगाल के मैंने इसमें डाल दिया, ये देखिए। तो ऊपर और फिर से हमने सांभर को एक बार फिर से चला के देखा, लेकिन अभी भी बहुत गाढ़ा है, तो इसमें मैंने और पानी मिक्स करना है। तो मैंने लगभग 1 ग्लास पानी इसमें और मिक्स कर दिया और अच्छे तरीके से इसको चलाया
और अब इसको क्या करना है, फर्स्ट बॉईल लाने तक इसको ढक के हम कुक करेंगे। तो इसके ऊपर से एक ढक्कन ढक दिया जब तक कि इसमें पहला बॉईल ना आ जाए। तो जैसे ही बॉईल आएगा हम इसके ढक्कन को खोल देंगे। तो देखिए बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, मैंने ढक्कन निकाल दिया है। और सांभर को अब लो फ्लेम पे जितना ज़्यादा कुक करते हैं खुला ढक्कन करके, उतना ही ज़्यादा अच्छा सांभर में टेस्ट आता है। तो अब इसको लगभग 8 से 10 मिनट तक हमको लो फ्लेम पे खुला ढक्कन करके कुक करना है। तो बहुत अच्छा कलर भी आ जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा। लगभग 12 मिनट से ये सांभर उबल रहा है और उबलने के कारण इसमें कितना अच्छा कलर आ गया है। और मुझे तो ये कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है, इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप पतला खाते हैं सांभर तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में इसमें लास्ट में मैंने धनिया पत्ती डाली। और सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको इस स्टेज पे कम लगे टेस्ट करके देख लीजिएगा तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। तो लीजिए बिल्कुल होटल स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर बन के रेडी हो गया है। बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये कलर इसलिए आता है जब हम इसको 10-12 मिनट सिम फ्लेम पे इसको उबालते हैं लास्ट में, तो उबल उबल के इसमें बहुत अच्छा डार्क कलर आ जाता है। और इसमें जो गुड़ डाला है वो टोटल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। और इसमें पतला गाढ़ा भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर आप पतला खाते हैं तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। और लास्ट में एक बात और बता दूं कि सॉल्ट को आप बैलेंस ज़रूर कर लीजिएगा। और इस गर्मा गर्म सांभर को इडली डोसा या मेदू वड़ा के साथ में सर्व कीजिए और एंजॉय करिए। तो इस तरीके से सांभर एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइए जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कमेंट भी करते रहिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।